मतलब जान पे फुल राजी ना हो इंडिया छोड़न लो। हम इंडिया छोड़ राजी ना, ठीक, मतलब क्योंकि देखे अब हम ही किरा चीज जहाँ जा कोई गैर मुल्क चला जाए तो भाई हमने तो परदेश देख रहे हम कैसे हाँ, जाना, देश तो देश है ना। हमने जगह छोड़ कौन जावे। अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम भाइयों, तो उम्मीद करूँ कि सब ठीक ठाक होएगा, खैर खैरियत से होएगा। तो आज मैं आयो पढ़ा हूँ अपना बहुत ही मोजज़ बुजुर्ग के पिए, तो जो अपना जो दादो जी है, अब बताएगा कि 1947 की हिजरत में पाकिस्तान कैसे आयो, कहाँ कहाँ मुश्किल पेश आई ही यालू, और जो है बताएगा कि पिछला गाँव गोद बाबा जी को कहा है। तो सब कुछ पूछूंगा बाबा जी से, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखियो, और ये वीडियो शेयर भी लाजमी करियो और सब्सक्राइब भी करियो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम और बाबा जी ठीक हो, खरीद है सब? माशाल्लाह से तो बाबा जी आपको जो पिछलो गांव है, आपको पिछलो गांव कौन सा और आपकी गोद कहाँ है? अच्छा, हमारा पिछला गांव खरकड़ो है पिछले काम खड़कड़ो है, ठीक होगो। और अच्छा, गोद हमारा नाइमी है। हाँ गोद तुम्हारा नाई में हो, ठीक होगो। हाँ तो बाबा जी तुम्हारा जो खड़कड़ो गांव हो, या के साथ और कौन कौन सा गांव मेवा, तीन गांव में कौन कौन सी गोद बैठी है उनमें? यह गांव है या के वार्ड पास, हाँ, यह के वार्ड पास रसवाड़ो, धनेटो, रसवाड़ो, धनेटो, नीकच, मीकच, रुबास, रुबास, मारक पर मारक पर, खरकड़ी, और खरकड़ी, खरकड़ो खरकड़ो, और पड़ा दो परादो, और अकलीम पर, अकलीम पर, ठीक होगा। ये सारा नाइन के गांव अच्छा, है ऐसा ना, इन सब गांव में ना ही बैठा ना टोटल, सब नाइन के और गांव गोद है, ना बैठी ना ना इनमें, कोई गोत नाइन ठीक का। होगो। तो बाबा जी अब नू बताओ कि जब 1947 की जब हिजरत हुई, वा टाइम आपकी कहाँ हुई, मतलब के वा टाइम आपकी उम्र कितनी ही? उम्र मेरी हुई कोई 10-12 साल अच्छा, की। 10-12 साल। तो आप मतलब कि सब कुछ याद होएगो। तो आप जब हिजरत को जब टाइम आए हो, तो आप अपना घर से कैसे निकला हा, और वा टाइम आपको मतलब कैसे तासर आता? आप खुश हा, मतलब कि आप हम पाकिस्तान मुसलमान मुल्क में जा रहे हैं अपना मुल्क के अपना जगह छोड़ के, या ना खुश हा वा टाइम? जी मैं पहले तो कहा ना वो रियासत भर पर, वो कहा ना वो भरतपुर हाँ, भरतपुर, रियासत भर पर हुआ, मैं मुसीबत आई ही पहले, ठीक होगो। वो मुसलमान जो है वो तंग करा उनने, अच्छा, वो भक्करा जहा, हाँ, फिर कुछ जिला गुड़गांव में आ अच्छा, गया, कुछ जिले गुड़गामा में आ कुछ गया, रियासत अलवर में आ कुछ गया, जैसलावर में आ गया, जैसे जैसे कि अपनी रिश्तेदारी ही वगैरह हाँ, और कुछ बात ही कैसे बगैर इस तरह के वगैरह वगैरह भी ऐसे भी रहा, तो ठीक होगो, वक़्त उन्हें जो हो दो 10-5 दिन वो हमने गुजारा अपना, ठीक होगो बाबा जी, फिर वह सुबह बाद में फिर रियासत अलवर में धूमस हो ठीक गो, लड़ाई होगो, झगड़ो हो गो, ठीक होगो। तो फिर उतलो बात है, कुछ दिन तो बात ऐसे रही भाई, हिंदू जो हुआ मुसलमान पर चढ़ता रहा, कुछ मुसलमानों हिंदुओं को पर चढ़ता रहा, हाँ, हम लोग मतलब ऐसे धुमा भाई धुमस धड़ियो मच गो। हाँ धुआं धड़े मच गो, हाँ, कुछ हिंदुओं का गांव मुसलमान ने फूंक दिया, कुछ हिंदू ने बातें फूंक दिया हाँ, ठीक वह होगो, सुबह उनको 2-4 10-5 दिन रह कर नहीं, फिर आके मुसलमान नाकाबू हुए उन पर, फिर हाँ, मिलिट्री फौज खड़ी होगी, फिर ठीक होगो, वहाँ ने बातें मारो मारो कर दी, फिर ठीक होगो, वहाँ से हट के इन बातें कि भरतपुर भी अलवर भी दोनों बातें जिला गुड़गांव में आ गया है। ठीक होगो। तो वह टाइम जो है आपको, आपको जिले और तहसील वह टाइम कौन सा हो? जिला हमारा रियासत हमारी अलवर ही, ठीक हो, रियासत तुम्हारे अलवर ही, तहसील हमारे रामगढ़ ही, तहसील रामगढ़ ही, हाँ और और जिलो? जिलो तो जिलो कहाँ हुआ सू, जिलो एक और रहे, रियासत और रहे, हाँ, हाँ रियासत तो अलवर ही की। ये तो तुमने पता, हम तुम बता रही में आपता हो हाँ, ना 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 ना, जिलो एक अलहदा है, रियासत एक अलहदा अच्छा, तो नो है, बताओ कि वादे में फिर आप यानी जब हिजरत, जब धुमस धड़ी मच गो, वादे में हिजरत, फिर आप तो अपना घर से कैसे निकला, और कहाँ से जाकर पढ़ाओ दियो पहला पढ़ाओ, और किसान चीज पहला में? पढ़ा तो भाई हम बातें के वहाँ से निकला हा, अपने गांव से निकला, फिर यह जिला गुड़गांव है, क्योंकि हम खैर खाई कि जिलो हो, हाँ, अंग्रेजी की हुकूमत ही हमें ये आज़ाद ना ही, ये रियासत तो आज़ाद ही, तो इन्हें अपनी मर्जी करी, तो ठीक होगा, वो कांग्रेस को जोर हो, हमें ही कांग्रेस है, हाँ, तो जोर तो हो उन मुस्लिम लीग को, जो हिंदू हिंदू ने जो मुसलमान के साथ तंगी करी ना, ये पार्टी ही महासभा, ये महासभा ने तंग कर रही है वो मुसलमान हाँ, जो है, हाँ, तो फिर वहाँ से निकल गए नहीं बात, फिर ज़्यादा तंग हुआ जब जाए नहीं बात, जिला गुड़गांव में आ गया उतलू। अच्छा, तुम उठ के मतलब अपना गांव से उठ के गुड़गांव तक आया, जी तो हाँ गुड़गांव तक किसान में बैठ के आया तुम? भाई गाड़ी बैल, कोई पैदल है कोई पैदल है, कोई गाड़ी बैल बैल है, ठीक और क्या, ठीक हवाई जहाज तो चल रही है हमारे वह भाई टाइम दादा जी, तो खुश हो या के गमगीन हो वह टाइम? गमगीन देखा नहीं, कपड़ों जिलों से छोड़ना हो, दर्द छोड़ना हो, तो हाँ, गमगीन तो होना ही होना भाई, ठीक बड़े को ठीक कहा तो है मतलब तुम्हारा जो सटेटो गांव हो वो हाँ सारो एक जगह ही? ना ना, ये जगह ना कोई भी, ये रिश्तेदार में होगा कोई, कोई रिश्तेदार में हो, कोई कोई रिश्तेदार, फिर बड़े रिश्तेदार में होगा कोई, हाँ, बगैर रिश्तेदार के भी होगा, हाँ, तो यही हिसाब हो अरे होना। गुड़गांव पहुंच गए तुम, जी ठीक है, हाँ तो रास्ता में कोई मुसीबत पेश ना ही गुड़गांव तक पहुंचने में? ना जी, पेश तो आनी
ये अगर डर का मारा है तो गया बख्श पकड़ है, रास्ता को तंग तुम तो ना करा बातें कि ये वो है वो कहना वो नौगांव एक शहर है। हाँ हाँ वो है इन तीन जिला की हदूद पे। हाँ हाँ होकर गाड़ी बैल टपे है, बाकी तो पहाड़ी इलाक होने गाड़ी बैल पहाड़ में तो ना चले आ। ठीक ठीक है नी ठीक वो साफ जगह में चले हुए तो। हाँ हाँ तो हूं उनने तंगी करी भाई कुछ और दबक्ष पकड़ लेकर जा कुछ चल पकड़ गई कोई बात है उनको हिंदू हो जाओ कोई सूद का छेंट मार दे कोई कुछ खा दे कोई कुछ खा दे तो मुरबाल है वो मुसीबत जो ही वो अच्छा करीम जो तो तुम गुड़गांव तब आ गया गुड़गांव तो मैंने कितना दिन रिहा था गुड़गांव में गुड़गांव में तकरीबन हम रहा हूँ कोई महीना। अच्छा महीना तुम गुड़गांव में रिहा तो कुछ फिर कम ज़्यादा कुछ कम ज़्यादा दिन होगा बस इतनी है 15-20 दिन ज़्यादा होगा। हाँ हाँ तो तुमने रोटी पानी तो मैंने कैसे करा गुड़गांव में रोटी पानी जी बात ही कैसे ही है कुछ गाँव ने मदद करी कुछ अपड़ों को राशन पानी नुकू पहाड़न में दुनिया निकल जाए गाँव से ले जावे राशन पानी ठीक तो एक ना करो आम फौज जो फेरीड वाले ऐसे ही कोई मिलिट्री आ जावे कोई जोर दे देवे कि थी पा जावे फेरिंग कर देवे कुछ भग जावे कुछ निकल जावे कुछ मर जावे। हाँ ठीक होगा वो ये बात ही हूँ तो बाकी दूसरी बात ये है तोल में पूरे बस बाद में बातें कि फिर हम हूँ जमा रहा। हाँ हाँ कि भाई आज अमन हुए 15 लोग हुए कि 17 लोग हुए या मुझसे या इंतजार में। हाँ हाँ मतलब मैं पिछला गांव अपना देश में पिछला चला जाओ घर जाके बस जाए आगे ना जाना पड़ेगा हमने ऐसे तो ठीक है। तो आगे गुड़गांव से आगे पाकिस्तान में कैसे चला? ओ भाई मैं तो बता रहा हूँ अभी तो तू सुन रहे ले तू पहले मेरी बात तो सुन ले। ठीक है के 10-15 दिन साथ हमने हुआ होगा वो जिला में। हाँ हाँ यानी हम चाहो कोई रिश्तेदार में लग ले चाहो कैसे लगा ले उसका और वैसे ही ना। हाँ हाँ तो अल्लाह जाने कहा हिसाब कोई एक जहाज आई तो दुनिया हाँ। कुछ पहाड़ में पड़ी है। हाँ हाँ जी एक फिरोज पर झेल के फिरोज पर हाँ। तुम ना जाने ना मेरा वाता ना ना तुम हाँ। कोई मेवाती तारीख सुन कर देख लो। हाँ फिरोज पर झेल का हाँ हाँ ठीक हो हाँ है तुम पे कोई मेवाती तारीख वो है क्या वा कि जिला गुड़गांव में इस 15 दिन रहे गुड़गांव जिला गुड़गांव हम 15 दिन रह गए रहते थे। जब एक हवाई जहाज आयो हो दुनिया पड़ी बे कीमत अल्लाह जाने इंतहा दुनिया ही पहाड़ में ठीक होगा काला पहाड़ में। हाँ काला पहाड़ में काला पहाड़ पीरोज पर के ऊपर ढोंड भोंड ये गांव है ना। हाँ हाँ हंगत पे हंग ठीक होगा। अच्छा फिर उन्होंने जहाज ने कहा करो दुनिया पड़ी वो जहाज अभी एक चक्कर लगागी। हाँ हाँ देगी मामला ठीक होगा कि भाई कितनी दूर है कितनी ही है खलकत पड़ी है कहा हिसाब है कहा ना ठीक वो दूसरा चक्कर में आई ना जब। हाँ हाँ जब वहाँ ने बात फेयरिंग करी हूँ जहाज ने वहाँ जहाज ने ठीक होगा तुम्हारे सामने हुआ क्यों हमारे सामने हुआ हमारे देखते देखते हुआ कोई। अच्छा अच्छा क्योंकि वह टाइम पे हम कत्तम वह जगह सो कोई ऐसा हो गया तो 4-5 मील दूर। हाँ हाँ है जब हम वह जहाज देख रहा मौजूदा देख रहा। हाँ हाँ है ठीक है वो तो वह मैदान में दुनिया अल्लाह जाने बेगिनती हिसाब खून खाड़ बे खून खून का भार हुआ जगह में बाहर ठीक होगा। मतलब वाजिका में अंधे धुंध में होने का कत्ल करा गया मतलब बेतहाश मेवाद बाद होनी। हाँ हाँ मतलब आधी में बात वाजिका मार दी गई। हाँ ठीक हो गो बाकी हूँ सो आगे फिर बात ये गए ज़्यादा धूमस हो गए उन्होंने कह चलो चलो पाकिस्तान चलो पाकिस्तान चलो पाकिस्तान चलो ठीक हो गो। फिर ऐसे ही बात फिर कांग्रेस जो समझ गया ये हुकूमत कांग्रेस जो है हाँ हाँ पार्टी मुसलमान की हमदर्दी हुई। ठीक हो गो और महासभा ये दुश्मनी हाँ महासभा दुश्मनी मुसलमान की। तो फिर ऐसे फिर काफला बढ़ता का कोई बातें रेलगाड़ी से आता रहो हाँ कोई पैदल काफला से आता रहो ठीक हो गो। तो रेलगाड़ी का आने तो ये आया भावनगर होते हुए नौकर अच्छा रेवाड़ी ये सोपन का सब भटंडा ये लाइन जो आ रही है ना। हाँ हाँ भटंडा से हाँ भावनगर होते हुए हाँ हाँ ठीक हो गो। वो पैदल काफला आ गंडा सिंह बॉर्डर पर अच्छा पैदल आए गंडा सिंह सो कहे गंडा सिंह हाँ और जो रेलगाड़ी में आया सो कहे भावनगर में ही सो भावनगर में ठीक हो मतलब इस बहावलपुर के साथ एक बाजी हूँ सो आगे फिर काफला बनने लगा। ठीक कोई रेलगाड़ी को बन गो कोई पैदल को बन गो कोई 17 को बन गो कोई 18 को बन गो कोई ऐसे ने तारीख कंसल्ट लेके आई फिर उनके साथ। अच्छा तुम हो रेलगाड़ी में जब तुम आया तुम तो रास्ता में तो कोई इनके ना हुई ना कोई लड़ाई शड़ाई या ऐसे कोई ना जी लड़ाई खैर हमारे साथ ना ही बाकी बहुत सी गाड़ी एक बांधी कोई एक स्टेशन है। हाँ हाँ बांधी कोई ठीक है एक गाड़ी काटी ही अच्छा उन्होंने काटी उन्होंने आर्मी ने काटी या के ना सिखन ने सिखा ने काटी ठीक हो
नार भी ना काटे सिक्का ना काटे ठीक हो गो। तो बाकी अब वो आ कई हादसा गाड़ी कई कट चुकी, बाकी मुहैया गाड़ी को मुकम्मल पता होगी, गाड़ी कौन कटी थी मुकम्मल ठीक हो गो है ना। तो वाके बाद जब पाकिस्तान तम आके पहुँच गया तो हीने आके तम लुहे नहीं गए, हीने आके पहले पहले कहाँ पहुँचा, वाके बाद कैसे कैसे तम यहाँ गाँव तक आके पहुँचा ओला कोथार तक। हम हूँ सुबह आया ना जब गुड़गांव से बैठा गाड़ी में, गुड़गांव से गाड़ी में बैठा, गुड़गांव से गाड़ी में बैठा। हाँ हाँ तो रेवाड़ी होते निकल कर भटन देर नौकर निकल के है नहीं ना। हाँ हाँ फिर हमारी एक रात कम प्रोग्राम हम फाजल के बंगले। अच्छा फाजल के बंगले ठीक हो, ये इंडिया में ही। हाँ इंडिया में ही ठीक हो, है इंडिया में ही। हाँ हाँ इंडिया में एक रात रहो या दो रात रहो मन बहरा ठीक हो। वहाँ से पाकिस्तान गाड़ी गई है। हाँ वहाँ से पाकिस्तान गाड़ी गई ठीक है। वो हमारे आई अच्छा वो तो मैंने पाकिस्तान लेके आई। हाँ वो पाकिस्तान लेके वहाँ आके लगा तुम कहाँ उतारा हो बस जी वहाँ फिर खुल लिए, फिर मर जाए जहाँ कोई उतर जाए कोई हूँ वहाँ लाके नहीं के वहाँ उतार दिया, वहाँ हदूद पाकिस्तान में छोड़ दिया। अच्छा पाकिस्तान छोड़ दिया फिर कहे कि मर्जी सवारी जहाँ मर्जी उतरे जहाँ चढ़े। फिर तुम आगे कहाँ गया तुम ऐसे ये बार हम तो फिर हूँ बात है सोजाबाद तो उतर गया जाके उतर गया ठीक हो। 15 दिन तो रहा भाई 15 दिन सोजाबाद रहा, सोजाबाद रहा होने फिर रोटी पानी कैसे करो धंधो आप लोग खाओ अपने पकायो दाना पानी तो ना हो तुम्हारे पे, वो कहाँ से लेके आया भाई ये चलता है दिया पैसा तो हमारे पे। अच्छा पैसा है ठीक है, पैसा तो कोई गैर मुकद नहीं मुसलमान के हुकूमत मतलब हिंद का जो मकामी लोग है जो पंजाबी हा सराकी हा सिंधी हा इन्हें ना दियो कुछ तमाम राशन पानी रोटी खा लो कोई लो भाई मुसलमान भाई ना, हमारा ना, 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 इन्हें ना दियो कुछ भी। तो इनको मतलब ये तमाम खुश आया कि ना खुश है वाटे भी है ये ना खुश है ठीक, ये सारा ना खुश है ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो गो। पंजाबी कौम समझे कहाँ ना कोई कौम कहाँ से आई कौन आई। अच्छा वहाँ मतलब बिल्कुल ना खुश है ना तो मतलब रोटी ना, पानी सपोर्ट कुछ ना दिए। बाकी बात है गवर्नमेंट जो ही नहीं, हाँ हाँ गवर्नमेंट जो ही हमने ऐसे रखे जैसे माँ बच्चा रखे। अच्छा मतलब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने तुम सही सपोर्ट दी तुम लोग ठीक हो गो, तो मतलब गवर्नमेंट ने तुम लोग कहाँ कहाँ दियो खान लो जीवन सब कुछ भी हो मतलब दाल पानी चावल भी दाल भी मिर्च भी घी ठीक भी है, लहसुन वगैरह तेल भी तो मतलब हर एक कुछ एक मदद एक दी। एक बंदा कितने कितना दियो। वो तो जी फिर अब देखा ना इस किस्म का कोई पाई पाई आदमी को भी हो किसी आसिर आदमी को भी हो ठीक हो वो ऐसी बात वगैरह समझे से अभी कम पढ़ो कम पढ़ो या अब कोई मिसाल अब जैसे अब तुम दो में हो, एक ई में हो एक तू में हो ठीक है, अब तेरे पे राशन है ज़्यादा और यहाँ पे राशन है घट, तो वहाँ टाइम वहाँ दौर में वहाँ मुश्किल टाइम है, फिर एक मेयो ने दूसरे मेयो को सपोर्ट करी बिल्कुल सपोर्ट करी कि ना करी। ठीक हो, मतलब मेयो ने मेयो को सपोर्ट करी इनका मकामी लोगों ने ना करी हाँ ठीक नहीं हो। का मुकाम मेरे लोगों को ना अच्छा तो करी शुजबात तो पड़े है, बाकी देखो शुजबात अब जहाँ से तुम मुस्तकिल या निगाह जहाँ बैठो यहीं से शुजबात है 500 किलोमीटर दूर, फिर शुजबात से तुम वापस इन्हें कैसे आया हो तुम। अब हमारी मुसीबत देखा ने तू तो अब फिर पाकिस्तान में जब दुनिया आ गई है ना हाँ हाँ हर मुसलमान को ये हाँ हाँ फिर उनकी ही मर्जी हाँ हाँ है हाँ हाँ चाहे को नूल चला जाए चाहे को नूल जाए बगैर किराए के कोई गवर्नमेंट को किराया ना हमारे को अच्छा वाटर में कोई कर रहा है ना हो, ना। मुफ्त चल रही है सेवा चल रही है हाँ ठीक होगा, तो फिर जमीन ही अलाट कैसी हुई वहाँ कहाँ से सीन बनो। हम मुल्तान कम में भी रहा अच्छा मुल्तान कैंप में भी हम रहा, अच्छा कसूर कम में भी रहा कसूर कैंप में भी रहा हम बातें के साथ रकम पर दरा भी पार जो है वहाँ में भी रहा ठीक होगा। है जी। हाँ हाँ हमने जिला सियालकोट में गांव बसा जो जिला सियालकोट में भी गया हो, वहीं से तीन चार किलोमीटर और दूर इन्होंने पांडु की बसा अरे जो पांडु की में आ गए, यहीं से मतलब 40-50 किलोमीटर हमने दूर गांव भाई बम्बई में बसा जो ठीक है, बम्बा रायवंड के साथ। हाँ रावणी से आते हो हाँ उस उड़ के फिर हमें ओलक में आया। अच्छा वहाँ से उठ के फिर ओलक में आया, मतलब कि हाँ तमन्ने पूरा पाकिस्तान तमन्ने जी ओलक में ना तम। मसला जो है ना भाई ये हीन हो सिकन इनको जो इनको जुलाएं को जो हाँ आदमी चार आदमी ने मैं उनका मारा हा हाँ वो दूसरे बार में बात सुनाई वो डिप्पू के ऊपर लड़ाई हुई कोई। डिपो के ऊपर हाँ हाँ तो जब चार आदमी मारा तो इनका परमट है तीन बेन परमट कटे ना उनका नहीं भाई या गांव कितना आदमी है कितना आदमी को परमट है हाँ हाँ ऐसा नहीं। अब मसला में वो कहना बार बार तेरों पल्ला को मौजूद हाँ है ना। तो हाँ हाँ एक परमट हो जमे जमा रेडी वाला को हाँ हाँ दूसरों परमट हो घाघसान को तीसरों परमट हो अजीज फिरान को ठीक होगा इन तीनों परमट मैंने सारा जितना मेव है ना औला के अंदर अंदर हाँ हाँ ये सारो इन परमट में तकसीम है। ठीक हो। अच्छा हिंद तमन्ना की जमीन शमीन कैसे अलाट हुई, एक बंदल कितने कितने जमीन जमीन हमसे मिली। पहले मिली जी किला की जमीन अच्छा अलाट है सबसे पहले किलो किलो जमीन दे दी समझ लो किलो किलो ही फी आदमी ठीक होगा, वहाँ के है बाद वो फिर वाद को बाद में फिर हमारा इंडिया सुखा के दागा ठीक होगा। रखा टागो हाँ हाँ
रखा था वो जैसे सिक्का अंकल में भरा जैसे रखबो बुजुर्ग जाने हैं ना वो तो हूँ तो हाँ बुजुर्ग जैसे रखबो फार्म दे दिया ना रखो का भाई हमारो इन्हें भी इतना रखो हमारा हमें इतना रखो इतना हमारो दादो इतना फलानो हो इतना रफा को हो वो ऐसे मरवो हम वहाँ की मोरस करो या कि वाकि करो यू कर ऐसे लोग फिर कले मांगा फिर कले मांगा फिर हमारी जमाबंदी आ गई फिर हम लोग अपनी मलकियत मिल गई ठीक हो गो तो यह वास फिर हम इन्हें प्रकाशकार होगा ठीक होगा। तो बाबा जी की भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो बाबा जी ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दियो है तो बाबा जी लाइक भी दियो और शेयर भी करियो।